चलो कुछ लो बैग लोग बटन दबाओ बटन बटन दबाओ स्कूल के लिए देखो बस आई चले देखें। वो शाम की बस आ गई गुड मॉर्निंग करो पापा को आ ले दो पापा को पापा को बुलाओ पापा को पापा को बुलाओ पापा को बोला चले समी सीढ़ियों से जाएगा ये लोग अल्लाह हाफिज इधर से भी देखना भाई इधर से भी देखना सामने अल्लाह हाफिज मामा अल्लाह जल जो, जो जल चलो बस 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 ये देख लें जी इसकी बस आ गई और मैं जा रही हूँ और ये फिर बात के मेरे पीछे ही, 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 ही आ गए और मैंने दरवाजा जल्दी जल्दी बंद करना है क्योंकि ये पीछे आ गया था तो हम इधर से देखते हैं चला गया अभी जा रहे हैं जा रहे हैं वालेकुम वेलकम टू तो माय चैनल माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब तो आपने देखा है शाम को स्कूल छोड़ने के लिए सीढ़ियों से जा रहे हैं क्योंकि लिफ्ट हो गई है बंद तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया आजकल तो वो बाद में बताऊंगी तो इस वक्त हम चलते हैं किचन में क्योंकि आठ बज के तीस पर बेटे ने जाना था उसके बाद मैंने ऊपर आई हूँ तो नौ बज ही गए हैं क्योंकि मैंने भिंडियाँ काटी प्याज काटे टमाटर शमाटर हरी मिर्चियाँ काटी मैंने कहा चलें आपके साथ आज सुबह सुबह नाश्ता करते हैं भिंडी का तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया एक ही छोटा जो चम्मच है वो ऑयल लिया था उसके अंदर डाल दी मैंने भिंडी हल्की से हमने रोस्ट करनी है तो भिंडी से पहले मैंने पाँच छः प्याज डाले थे अगर आप कड़क भिंडी खाना चाहते हैं ना कि प्याज़ भी कड़क हो तो बड़े मजे की ये वाली भिंडी है इस रेसिपी पे आप लोग जल्दी जल्दी आ जाएं अगर आपने नहीं की इस तरह की बनाई तो एक दफ़ा किसी की बनाई हुई चख भी लेते हैं ठीक है ना टमाटर के नीचे हरी मिर्चें हैं चलें जी भिंडी जब हमारी देखें प्याज हमारा हल्का सा जब ब्राउन होगा तो हमने इसको इस तरफ भिंडी की तरफ ना शिफ्ट कर लेना और यहाँ देखें सिंपल तरीके से मैंने लिए हैं मिर्चें गरम मसाला गरम मसाला सॉरी जी ये देखें कभी कभी मसालों का नाम भी इंसान को भूल जाते हैं या मैंने इसके अंदर जो हल्के से ब्राउन हुए थे प्याज वो डाल दिया साथ में टमाटर डाल दिया और यहाँ ये देखें जी हल्दी है नमक है मिर्च है जिदा ना ही मैं आप भूल ही माफी दे यादाश्त हो गई है लिफ्ट बांधे ना तो यादाश्त भी चली गई है <laughs> लिफ्ट की कहानी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि अगर आप लोग ऊँचाई में रहते हैं तो आपको सोच समझ के घर लेने चाहिए لیکن اس کی اس کے اوپر پوری ایک ویڈیو بنائیں گے اور پھر اس دن میں سوام کو چھوڑوں گی بھی اور لے کے بھی آؤں گی کیونکہ ایک ڈیوٹی میرے میاں کی اس طرح کی آتی ہے کہ مجھے چھوڑنا بھی پڑتا ہے اور لینا بھی پڑتا ہے چلو جی ایتھے کہانی گئی مکھ تے ایتھے لے جے تین انڈے تے ایناں نو سڑد دیو وچ نمک مرچ ڈال کے تے ہلکا جا اینوں بس توڑ توڑ کے نہ چمچہ ڈال ڈول کے بس اچھے طریقے سے اینوں نہ توڑ توڑ کے پکا لو और फिर इसको आप ऐड कर दो भिंडिया तो यकीन करो कभी कभी इस तरह दिंडियाँ खा के वेख्या करो तो फिर तुम्हें याद आवेगी सफियादी <laughs> मैं हूँ शाम की मामा तो आपको ज़रूर मेरी याद आएगी ये देखें भिंडी जब डन हो जाए तो उसके अंदर बाद आपने इसके अंदर ये अंडा डाल देना ठीक है।, है मुझे तो भाई बड़ी प्यार मजे की लगती है पता नहीं आपको लगती है कि नहीं लगती लेकिन मेरा ख्याल है कि आज से आप भी इस तरह की बनाएंगे तो आपकी भी ये फेवरेट होगी तो सुबह कोई बच्चा भी सारे स्कूल चले गए थे और नीचे जाके बरोचने ले के नाश्ता करना मुझे मुश्किल लग रहा था तो मैं क्या अच भिंडियाँ पका नाले बारह बजे चलन दी नाले सुबह का नाश्ता होएगा इधर मैंने चाय बना के लिए पानी रख दिया है पत्ती डाली है चीनी डाली है बस दो ही चीजें टलती हैं थोड़ी देर बाद दूध डाल दिया तो या मैं बनाने लगी हूँ पराठा दो अदद पराठे बनाएंगी मासूम से एक मियाँ का और एक अपना ਪਰਾਠਾ ਜਿਦ ਕਨ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਣਾ ਜਬ ਮੈਨੇ ਪੇੜਾ ਕਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਇਸਮੇ ਤੋ ਮੈਨੇ ਬਟਰ ਲਗਾ ਨਾ ਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀ 70 ਬਲ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐ ਵੇਖੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਲੋ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਾਠਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਐ ਵੇਖੋ ਜਿ ਕਨ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਾਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਚਲੋ ਜੀ आ जाओ फिर ए देखो जी साड़ी खूबसूरत रोटी पराठा तवे तो पर चला गया और तू मैं थोड़ा जा पाया जो नमक क्योंकि जल्दी सुबह का नाश्ता पिंडी नाल करो ना तो हल्का जहाँ नमक होना चाहिए क्योंकि असं आटे में ना नमक नहीं डालते तो जब पराठा खाना होना फिर कभी कभी डाल लेते हैं उपर से यह भी एक ट्रिक जे ए देखो जी कि प्यारा पराठा साडा हो गया जी तैयार तो ए जो मेरा पराठा बेचारा सुखा सड़ा तो यहाँ ले लेते हैं चाय और अंदर चाह के बड़े मज़े के साथ करते हैं नाश्ता और आप लोग भी ज़रूर बताएं कि आप में से कौन कौन इस वक्त कौन सा नाश्ता कर रहे हैं मैं तो आज इन्ने दिन बाद करी ये भिंडी का भिंडी और थोड़ा सा चने और पावे का सालन था वो थी भिंडी थी और यही हमारी भिंडी सुने जी सुने सुने सुने, सुने। यही भिंडी हमारी जब बच्चे आएंगे तब भी चलेगी ठीक है न चले आज आप अंदर चलते हैं ਇतना ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੇਰਾ پراਠਾ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਇਆ ਕبھی ਕبھی ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਹੈ ਕਿ ਸੜੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਬਰੈਡਾਂ ਤੇ ਅੰਡੇ ਖਾਓ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਨੀ ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਭਿੰਡੀ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਆਲੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਐ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਦੇ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਬਲੌਗ ਨਾਲ ਤੇ ਐਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼